इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे दोस्तों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम सभी जुड़ना चाहते हैं, और भारतीय रेलवे में जाना हर युवा का सपना होता है। कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि हमारी रेलवेज में एक जॉब हो, और रेलवेज में टीसी का पद, टीसी की पोस्ट, टीटी की पोस्ट और टीटीई की पोस्ट, ये एक ऐसी पोस्ट है जिसपे हम सभी जाना चाहते हैं, क्योंकि टीटी और टीसी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। ग्रुप सी में आती है, लेवल 2 की यह पोस्ट है। अगर मैं बात करूं कि रेलवे में टीटी कैसे बने, टीटी का काम क्या होता है, क्या काम आपको करना पड़ता है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कैसा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, और साथ ही साथ क्या आपकी सैलरी होती है, तो मैं आज आपको सारी बातें बताने वाला हूं। दोस्तों टीसी और टीटी को नाम सुनते ही हमें एमएस धोनी पिक्चर की याद आती है, क्योंकि एमएस धोनी भी पहले रेलवे में टीसी और टीटी पद पर ही कार्य करते थे। उसके बाद वह जो बनते हैं वो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि आप अगर एक टीसी बनना चाहते हैं रेलवे में, तो आपको जो टीसी का काम होता है वो यह चेक करना होता है कि ट्रेन में जो सभी लोग हैं क्या वह बिना टिकट की यात्रा नहीं कर रहे हैं। सभी के पास टिकट होना जरूरी है। अगर आप बिना टिकट की यात्रा करते हैं तो आपको जो पेनल्टी लगाई जाती है वह टीसी और टीटी के द्वारा ही लगाई जाती है। अगर मैं बात करूं मालगाड़ियों में भी टीसी और टीटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि क्या जो गुड्स लोड किए गए हैं वह सही है या नहीं, सही मात्रा में है या नहीं, बहुत सारी चीजें, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का काम ट्रेन में अगर कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी होती है तो वह काम टीसी का होता है। अगर मैं बात करूं कि क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले अगर आप भारतीय रेलवे में टीसी और टीटी बनना चाहते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 12th पास होने चाहिए विद एनी स्ट्रीम, नो परसेंटेज बार। यहां पर आपके पास परसेंटेज बार नहीं होता, आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपने चाहे आर्ट्स लिया हो, साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो, आप इंडियन रेलवेज में टीसी पद के लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर से लेकर के मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, एससी एसटी से हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन इंडियन रेलवेज के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों आपको अगर एक टीसी और टीटी बनना है, इसमें आपको कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट देना होता है, लेकिन अगर मैं ट्रेन क्लर्क की बात करूं तो आपको यहां पर टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता, आपको सिर्फ 2 स्टेजेस में एग्जाम देने होते हैं। दोस्तों इसकी वैकेंसी आपकी आरआरबी के द्वारा निकाली जाती है, और आरआरबी एनटीपीसी के अंडर आपका रिक्रूटमेंट किया जाता है, जिसमें कि आपको 2 स्टेज के एग्जामिनेशन देने होते हैं। पहले स्टेज के एग्जामिनेशन को हम कहते हैं CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जो सभी पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी आती है तो आपको ये कंपल्सरी टेस्ट देना होता है। इसमें आपको जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको अपने प्रेफरेंस में टीसी और टीटी का पोस्ट सबसे ऊपर लिखना होता है, सबसे ऊपर भरना होता है। इसके लिए आप परीक्षा देते हो। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो आपके पास 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में आते हैं, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, जिसमें आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका मैथमेटिक्स होता है, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। 1 मार्क ईच क्वेश्चन के नंबर आपको मिलते हैं, और निगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी होती है। इसके बाद अगर आप सीबीटी 1 को क्लियर करते हैं, सीबीटी 1 की कट ऑफ को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप स्टेज 2 में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 2। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा होता है कि आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। यहां पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक की जाती है। अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, मैथ के 35 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 को क्लियर करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर मैं टीसी और टीटी की बात करूं तो यहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता, लेकिन अगर आप क्लरिकल पोस्ट ले जा रहे हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, और आपका किसी न किसी आरआरबी के जोन में आपका सिलेक्शन होता है। का मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है कि आप रेलवेज को ज्वाइन करने के लिए फिट हैं या नहीं। और सैलरी की बात करूं तो दोस्तों आपकी सैलरी यहां पर स्टार्टिंग होती है 9,300 से लेकर के 35,000 तक। इसमें आपको डीए, हाउसिंग अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, सारी चीजें आपको रेलवे के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है।
और ये रेलवेज की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है, हर युवा यहाँ पर जाना चाहता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब बार बार पूछते थे कि सर टीसी और टीटी रेलवे में कैसे बने, तो यही तरीका है। उम्मीद है कि आपको पूरी बातें क्लियर होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन टैप करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।